बहुत दिन हो गए हैं मैंने मुर्गियों के बारे में आपको नहीं बताया, तो आज सोचा कि मुर्गियों के बारे में आपको बता दूं। सर्दियां हैं तो माशाल्लाह से मेरी मुर्गियों में भी एक इजाफा हो चुका है, मुर्गी ये वाइट वाली का, और ये माशाल्लाह से रोज़ एक या दो अंडे मुर्गियां दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो है वो नीम गर्म पानी लाती हूँ, आप हमेशा सुबह जो है वो नीम गर्म पानी रखा करें, सर्दियाँ हैं तो फ़ौरन से मुर्गियाँ पीती हैं तो ठंडा पानी होता है और इससे बीमार हो जाती हैं। तो बर्तन साफ़ करके मैंने रख दिया है, तो अब हम खोलते हैं इनका जो है वो डरबा। आगे बास्केट रख के मैंने बंद किया हुआ होता है, और पहले मैं बता चुकी हूँ ये जो है ये नई वाली मुर्गी इसी बास्केट में रहती है और ऐसे ही बाहर निकलती है। और इनका जो बर्तन है रात को बंद करते हुए मैं दाना डालकर इनको बंद करती हूँ, तो साफ़ करके अभी हम इसमें दाना डालेंगे। ये सारी अब मेरे मुंह देख लिए कि दाना आ गया, तो जल्दी से हमें दाना दे दे। इन सबको अब आदत पड़ गई है मेरे हाथ पे खाने की, कि मैं इनको अपना हाथ पे रख के खाना खिलाऊं। ये वाला जो मिक्स दाना है ये मैंने ख़ुद तैयार किया है, इसमें मैंने डाला है जो है गंदम, बाजरा, मटर के बीज और जो दाल होती है वो डाली है, और इसमें जो छली होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई आपको जो सीड शॉप है वहाँ से मिल जाती है, तो वो भी मैंने मिक्स की है। और ये इनकी जो है वो सीड शॉप से आपको मिलती है 13 नंबर और 18 नंबर खुराक, तो ये मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें उन्होंने हींग डाली हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा हींग इसमें थी, कुछ थोड़ी सी वाइट कलर की होती है, ये थोड़ी ब्लैक आ गई है इस दफ़ा, तो ये ज़रा कम ही खाती हैं। और मकई जो है ये मकई के जो छोटे छोटे पीस होते हैं ये बहुत शौक़ से खाती हैं, गंदम भी। तो ये मैं इनका ये इससे अब इनको आदत हो गई है, दिन में इस पिंजरे में रखती हूँ और ये बास्केट रख के इसमें घास रख देती हूँ, तो जिसने अंडा देना होता है वो इसमें अंडा दे लेता है। तो अभी एक मुर्गी मुझे लग रही थी वाइट वाली कि उसको उससे अंडा देना है, तो वो भाग रही थी, तो उसके लिए मैंने ये रख दिया है, तो अभी थोड़ी देर तक वो बैठ जाएगी। तो इनको अब आदत पड़ गई है इस पिंजरे में भी रहने की। ये अपना दाना खा रही हैं सुबह। और ये देखें ये वाइट वाली मुर्गी उसमें बैठ जाएगी, तो अभी अंडा दे देगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो माशाल्लाह से ये जगह बनाकर सेट होगी और फिर देखेगी कि कोई इस मुर्गी इसके पास तो नहीं आएगी। ये मैं लाई हूँ रोटी गरम करके, तो जब ये दाना खा लेंगी तब मैं इनको रोटी खा डाल दूँगी, तो ये रोटी कुछ देर तक खाती रहेंगी। गर्म है, ठंडी रोटी नहीं है क्योंकि सर्दियां हैं, तो पानी भी गर्म करके और रोटी भी गर्म करके। अभी इसमें से धुआं निकल रहा है तो मैं थोड़ी सी इसको ठंडी कर लूं, लेकिन ये फिर भी माशाल्लाह से गर्म ही खा रही है। और ये माशाल्लाह से कल नई मुर्गी आई है जो 1000 की मिली है, कल बहुत प्यारी मुर्गियां आई हुई थी। जो मुर्गी है ये देसी खाना खाने वाली है, यानी घर की मुर्गी थी, और इसको ये वाली चीज़ें पसंद हैं जिस तरह घर के छिलके वगैरह हो जाएं, ये दाना और ये जो 13 नंबर की खुराक है इसको ज़रा कम ही खाती है, तो इसको ये चीज़ें पसंद हैं। और इसने यहाँ के बाकी मेरी मुर्गियाँ जो थी वो पालक और ये चीज़ें नहीं खाती थी, बस उनको था कि दाना, रोटी तक नहीं खाती थी, लेकिन इसने जब खाना शुरू किया तो सारी मुर्गियों को इसने आदत डाल दी है, तो सारी अब माशाल्लाह इसके साथ खाती रहती हैं। और इसको आदत थी बिल्कुल, ये हाथ पे खाती थी और बिल्कुल हाथ में पकड़ी जाती थी। इसने बाकी मुर्गियां मुझसे डरती थी, लेकिन अब जो है वो बाकी मुर्गियां भी इसकी देखा देखी ना मेरे हाथ पे खाना खाती हैं। ये जो इसी में खा लें फिर मैं इनको उसी अपने बर्तन में डाल दूंगी। और ये कल माशाल्लाह से नहीं आई है तो अब सेट हो गई है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और अच्छी बड़ी मुर्गी है। ये जो है ये 1200 में मैंने पहले बताई थी कि 1200 में मिली थी, तो ये महंगी मिली है, लेकिन कल जो प्राइस थी वो सेट थी। और ये देखें एक ताज़ा पानी जो है वो सुबह अपने लाजमी ताज़ा पानी रखना है और नीम गर्म रखना है, ठंडे पानी से ये बीमार हो जाती हैं, और सुबह सुबह जो पानी पीती हैं वही इनका पानी होता है।
पीने वाला। और ये देखें, ये अभी यहाँ पे अभी सेट नहीं हो रही, डिस्टर्ब हो रही है। खाना भी खाना है, बाइट सब खाना खा रहे हैं, उसको अंडा भी देना है, और मुर्गियाँ जो हैं बार बार उसके पास जा रही हैं, तो वो तंग भी हो रही है। तो अभी मैं इसका जो है इसको पिंजरे में बंद कर देती हूँ, ताकि आराम सुकून से बैठ के जो है वो अंडा दे ले, क्योंकि एक और मुर्गी को भी जो नहीं आई है वो भी इस तरह घूम रही है कि उसको भी अंडा देना है, लेकिन वो जाती है तो ये शोर मचा देती है। ये भी मैं इनको इसके बर्तन में डाल दूँ, क्योंकि उन्होंने सारा दिन ये खाना है। मुर्गियाँ जो हैं वो घूम फिर कर दाना नीचे जो गिरा वो भी चुन रही हैं, साथ में खाना हजम भी कर रही हैं। थोड़ी देर अपने खाने की तरफ जाती हैं, थोड़ी देर इधर उधर भागती हैं, तो बस यही इनका चलते रहता है। अभी इनको जो तीसरी चीज़ मैं डालती हूँ वो है पालक। तो आज पालक नहीं है, लेकिन दिन में मैं मंगवा कर इनको लाजमी 2 से 3 टाइम मैं इनको पालक डाल देती हूँ, और ये बहुत शौक़ से खाती हैं। अब ये जो मुर्गी है बाहर आ गई है, तो वो फिर से उठ गई है, बस ये ऐसे ही करती रहेगी। एक मुर्गी बैठती है तो दूसरी देखने आ जाती है कि मेरी जगह पे ये क्यों बैठी हुई है, फिर शोर मचाना शुरू कर देती हैं। तो अब यही तरीका होता है कि मैं इनको बंद कर देती हूँ और ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ, कि ताकि जिसने अंडा देना है वो सुकून से अंडा दे दे। वाइट वाली मुर्गी अंडा दे चुकी है, और अब ये बाहर खाने के लिए बेचैन हुई है। ये देखें माशाल्लाह, इसका काफ़ी हेल्दी अंडा है, और थोड़ा सा इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा रेडिश शेड में होता है। और अब मैं इनको डालने वाली हूँ पालक। पालक आयरन की कमी दूर होती है, और पालक आप इनको लाजमी डाला करें। 2 से 3 टाइम मैं इनको पालक देती हूँ, पालक से ही अंडे ज़्यादा देती हैं। तो आप भी अगर मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो पालक लाजमी दिया करें, बहुत शौक से ये खाती हैं। अगर आप कोई भी जानवर रखते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी खुराक का ख्याल ना रखें, बाइट छोड़ दिया कि खुद ही खा पी कर आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको अच्छी खासी इनकी खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी जो नई मुर्गी आई है वो भी भाग दौड़ कर रही थी, तो मैंने इसको पिंजरे में बंद करके आगे कपड़ा डाल दिया। ये देखें बैठी हुई, अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, और ये दोबारा इसने शोर डाला है। लगता है अंडा दे चुकी है, लेकिन ये अंडा टूट चुका है। ये देखें, इसका छिलका बिल्कुल पतला था, और ये इसका सारा जो अंडे अंदर से वो नीचे निकल गया, तो इसमें कैल्शियम। और ये देखें मुर्गियाँ जो हैं ये दूसरी अंडे को पी रही हैं, कैल्शियम की कमी होगी जिसकी वजह से इसका छिलका जो है वो पतला है। तो अब मैं इसकी डाइट में इंशाल्लाह पालक वगैरह खिलाऊंगी, अंडे का जो छिलका है वो मज़बूत हो जाए, और देने के बाद इनका अंडा फ़ौरन से टूटे नहीं। और ये जो है गंदम, ये मैंने उगाई हुई थी, तो ये भी मैंने इनको थोड़ी सी काट के डाल दी है। तो आप भी बताइएगा आपको मेरी ये मुर्गियों की स्टोरी और मुर्गियाँ कैसी लगें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।